गांव वाले कबीर बाबा को दुखी करने के लिए, कबीर बाबा को दुखी करने के लिए उन्हीं की कुटिया के आगे एक नृत्यांगना को, बड़ी सुंदर नृत्यांगना को लाकर बसा दिया। बाबा की कुटिया में कीर्तन होता है, ढोलक बजती है, संत गाते हैं, भजन होता है, और वहां आई एम डिस्को डांसर, वहां क्या होगा, उसके यहां क्या होगा, ओम जय जगदीश अरे होगा, वहां तो उल्टी सीधी बात और बड़े गंदे गंदे शब्द। तो जब वो शब्दों को सुने, गानों को सुने, तो कबीर बाबा और आवाज तेज करवा दे कीर्तन की, और करो। एक दिन उस नृत्यांगना ने कहा अपने यारों से, अपने मित्रों से, ये बाबा हमको बड़ा दुखी करता है, तुम एक काम करो, तुम इसकी झोपड़ी में आग लगा दो, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के मोह में फंसता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कि मोह बड़ी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह तो सबसे बड़ी बुरी चीज है ही। बोले इस बाबा की झोपड़ी में आग लगाओ। तो रात्रि में कीर्तन चल रहा था, उसके कुछ चाहने वालों ने कबीर बाबा की कुटिया में आग लगा दी। बाबा की कुटिया में आग लगी तो ऊंची ऊंची लपटें, तो जितनी ऊंची लपटें कबीर बाबा उतना ही राम जी का नाम गाए, उतना ही जोर जोर से राम जी का नाम उच्चारण करें। अब राम जी का नाम गाते गए गाते गए, एकदम से एक चमत्कार हुआ, भयानक तेज हवा चली, कबीर दास जी की कुटिया की आग, झोंपड़ी की आग उस नृत्यांगना के भवन तक पहुंच गई, उसके पर्दे जलने लगे, उसका झूमर गिर गया, उसके घर की चौकटें दरवाजे सब जलने लगे, और वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे इस कबीर ने मेरा घर जला दिया, इस कबीर ने मेरा घर जला दिया, इस कबीर ने मेरा घर जला दिया। कबीर बाबा बोले क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है, न तूने मेरी कुटिया जलाई, न मैंने तेरी कुटिया जलाई, ये तो हम दोनों के यारों ने अपनी यारी निभाई, तेरे यारों ने मेरी जलाई, मेरे यार ने तेरी जलाई। हैं? तेरे यारों ने मेरी जलाई, ये तो यारों ने यारी निभाई, तेरे यारों ने तेरी जलाई, और मेरे यार ने, और मत भूल तेरे यारों से मेरा यार ज्यादा स्ट्रांग है। तुम्हारा है कि नहीं, बिलीव नहीं है ना, भक्तमाल की कथाएं ये शिक्षा देती हैं, मेक योर फेथ। आप विश्वास डेवलप कीजिए, कबीर बाबा कहते हैं ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई, तेरे यारों ने मेरी झोंपड़ी जलाई, और मेरे यार ने तेरी, राधे राधे बोलना पड़ेगा।